तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल के एक और रोमांचक वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको छत्तीसगढ़ के 5 सबसे अमीर आईएएस ऑफिसर के बारे में बताऊंगा, जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है। यह लिस्ट कुछ वर्ष पुराना है, इसलिए वर्तमान में इनकी संपत्ति कम ज़्यादा हो सकती है। तो चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ के टॉप 5 अमीर आईएएस ऑफिसर के बारे में। दोस्तों, नंबर 5 पर सुबोध कुमार सिंह। सुबोध कुमार सिंह 1997 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। यह छत्तीसगढ़ के अंदर भारत सरकार खाद्य और सार्वजनिक वितरण के अधिकारी के तौर पर कार्यरत हैं। इन्होंने 2016 में सरकार को दी गई अपनी अचल संपत्ति के ब्यौरा में अपनी कुल संपत्ति 4 करोड़ के लगभग बताया था। अभी वर्तमान में 2021 में इनकी संपत्ति और भी ज़्यादा बढ़ गई होगी। तो दोस्तों, चौथे नंबर पर राजेश सिंह राणा। यह 2008 के बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। इन्होंने जूलॉजी से अपना क्वालिफिकेशन किया है और यह दिल्ली के रहने वाले हैं। 2018 तक यह बलौदा बाजार भाटापारा के कलेक्टर थे। वर्तमान में यह छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास एवं मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड के प्रभारी हैं। 2016 में इन्होंने अपनी कुल संपत्ति 4.5 करोड़ के लगभग बताया था। तो दोस्तों, तीसरे नंबर पर गणेश शंकर मिश्रा। गणेश शंकर मिश्रा वर्तमान में रिटायर्ड हो चुके हैं। 2016 में सरकार को इन्होंने अपनी अचल संपत्ति के बारे में जानकारी दिया था, जिसमें इनकी कुल संपत्ति लगभग 5 करोड़ दर्शाया गया है। दोस्तों, नंबर 2 पे कार्तिकेय गोयल। कार्तिकेय गोयल यह उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। आज के समय में इनका नाम देश के टॉप 10 अमीर आईएएस ऑफिसर के लिस्ट में आता है। इनके पिताजी भी आईएएस रह चुके हैं। कार्तिकेय गोयल आईटीसी और विप्रो जैसी जगह पर भी काम कर चुके हैं। इस फील्ड में इन्हें अच्छा एक्सपीरियंस मिला, लेकिन ये सीधे तौर पर देश के लिए कार्य करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने आईएएस पद को चुना। इन्होंने 2016 में अपनी अचल संपत्ति लगभग 7 करोड़ बताया था। तो दोस्तों, पहले नंबर पे है आईएएस अमित कटारिया। यह गुड़गांव हरियाणा के रहने वाले हैं। यह एक बड़े घर से संबंध रखते हैं। इनका भाई एक बिजनेसमैन है और इनकी पत्नी एक पायलट है। अमित कटारिया 2004 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। वर्तमान में अवस्था छत्तीसगढ़ के कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट हैं। 2016 के ब्यौरा के अनुसार इनकी कुल संपत्ति 8 करोड़ बताई गई है।